वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमेशा की तरह। तो टाइम बता दूं, अभी ये देखिए 3 बज चुके हैं, 3 बजने को 1 मिनट बाकी है और अभी हो रही हूँ मैं अपने कामों से फ्री, बस नहाना बाकी रहता है। अभी यहाँ पर पूरे में मैंने पोछा लगाया है और अंदर भी साफ किया है, आज अच्छे से सफाई की है, किचन विचन अच्छे से साफ किया है। और इधर ना ये देखिए सो गए हैं अपना बिंदास। तबीयत की बात करें तो आज तबीयत काफ़ी अच्छी है, मतलब ठीक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कल मैंने कोई दवाई नहीं ली थी, थकान सी तो थोड़ी हो रही है पर धीरे धीरे करके मैं अपने काम जो है वो कर रही हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और लंच हमारे पास रखी है रात की दाल, सुबह की सब्जी रखी है। आज सुबह मैंने बनाई थी बैंगन की सब्जी, बहुत ही अच्छी बनी थी, वो भी मेरे पास रखी है। और वॉश बेसिन वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है ना जो हर दूसरे तीसरे दिन हम नहीं साफ़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बस वही थी। वॉश बेसिन हो गया और वॉश बेसिन वाला एरिया, इसका शीशा, बाथरूम सब अभी साफ़ किया है, बस सारा काम हो चुका है, नहाना बाकी रहता है। और ये रही इधर मजे लगे हैं, हेलो थोड़ी देर पढ़े और उसके बाद बस पढ़ाई के लिए, तो ऐसा लगता है इनको 10 मिनट में कि 1 घंटा हो गया और टीवी के लिए 1 घंटे में बोलते हैं, 10 ही मिनट हुए हैं अभी। लंच वंच अभी हमने नहीं किया है, 3 बज गए। सुबह ब्रेकफास्ट आज देर से किया था क्योंकि संडे है, आपको पता है, तो संडे में सुस्ती रहती है और वैसे भी तबीयत हम दोनों की ठीक नहीं है, तो आज हम अच्छे से सोए थे, हम लोग 8 बजे उठे हैं आज। और उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने काम किया और अभी ना मुझे फ़ोन आया, अभी मेरे घर कोई आने वाला है, हमारे घर आने वाले हैं गेस्ट बहुत ही स्पेशल, तो उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा, नहीं तो आप स्किप करके आगे पहुंच जाएंगे, है ना। तो चलिए अभी जो है मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद ये भी उठ जाएंगे, तब हम करेंगे लंच। तो साफ़ सफाई हो गई, चलिए अब मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर लंच करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, देखती हूँ कब तक पहुँचेंगे। बोला तो है 4-5 बजे तक आ जाएंगे, तो उससे पहले मैं भी तैयार हो जाती हूँ, मतलब तैयार नहीं, नहा लेती हूँ, पसीना पसीना हो चुकी हूँ और गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है। बस इधर बर्तन बाकी रहते हैं मेरे, ये थोड़े से बाकी, ये वाले सूजल ने धो दिए थे, थोड़े से रहते हैं, ये मैं धो दूँगी। ऐसे जो बर्तन होते हैं ना जैसे दूध की चिकनाहट वाला, आटे वाला, ये बर्तन ये अच्छे से नहीं धोता है, तो मैंने कहा चलो इसको मैं बाद में धो दूँगी, छोटा मोटा काम भी कर लेना, आराम हो जाता है। तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, हवा चल पड़ी है, ये देखिए लावण्या ने ये नीचे बिछाया है, ये क्या करती है, खेलती है लड़की, फिर यहीं छोड़ देती है, यहाँ पे हवा भी चल रही है और धूप भी तेज़ वाली लगी है। ये देखो यहाँ प्लांट्स हिलते हैं ना तब पता लगता है कितनी तेज़ हवा चल रही है, ये देखिए। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, प्लांट्स भी ना सुबह में पानी डालो और दोपहर तक एकदम से सूखे हो जाते हैं। आज सुबह लावण्या ने पानी डाला था, इसने शायद थोड़ा थोड़ा डाला, तो प्लांट्स सूखे सूखे से लग रहे हैं और अब धूप पे डाल भी नहीं सकते। तो चलिए मैं अब काम निपटा लेती हूँ अपने और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 4 पे लगा हुआ है यार, तो हम लोग जो है खाना खा के हो चुके हैं फ्री। मैं नहा कर निकली थी, उतने को धमक गए मैं बोल रही थी आपको हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, मैं तो अभी वीडियो स्टार्ट ही की थी, मुझे लगा था तुम लोग देर करोगे, और जैसे ही मैं नहा कर निकली वैसे ही ये लोग पहुंच गए। कैसे हैं आप फिर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं हम भी तो खाना अभी हम लोगों ने खा लिया है और बच्चा पार्टी जो है वो निकल गई है, और ये देखो खा पी के इधर ये परसर गए और इधर ये तो दूसरी दुनिया में जीजा श्री, और ये देखो बच्चे। हाय दिवेन, कहाँ जा रहे हैं आप? ग्राउंड में जा रहे? ज़्यादा आगे नहीं जाना बेटे, नहाना है अब, है ना लावण्य? आ जा बेटा अब लावण्य,
बंद करो बंद इसको, है ना, टाइट बंद करो, आस्ते 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 गिरना नहीं। ज्यादा दूर नहीं जाना बेटे, आगे घास में नहीं जाना है ना। तो इन दो की तो ना मतलब जोड़ी ही बढ़िया है, आए और निकल गए खेलने। तो बस ये लोग पहुंचे, उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे, चाय वगैरह नहीं पी, खाना खाया क्योंकि फिर भूख मर जाती है। और इधर अभी ये, और इसके बाद अभी यहाँ पर चने चढ़ा दिए हैं शाम के लिए, सुबह भी गोए थे मैंने, तो मुझे लगा चढ़ा देती हूँ। टाइम मैं आपको बता दूँ 5 बजे का हो रहा है, 5 बजने को 10 मिनट बाकी है। और अब मैं ये सारा समेट लेती हूँ, और मैंने क्रीम वगैरह भी कुछ नहीं लगाई, बस जैसे ही आए बिंदी लगाई और उसके बाद खाना दे दिया, खाना खा लिया है सब लोगों ने, बच्चों ने भी। अब मैं करती हूँ अपने बाकी के काम। इधर तो लगेगी नहीं बेटा, इधर तो चमड़ी मोटी है, इधर तो लगेगी। लगा 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 गुदगुदी, लगा 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 ऐसे 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 ऐसे, लगा 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 जल्दी बहन, अटैक अटैक अटैक। आज लिया नहीं, आज पहना, ब्लैक टी, व्हाइट टी, ग्रीन टी, मिल्क टी, गोट मिल्क टी, काउ मिल्क टी। बस हम लोग आ गए हैं यहाँ हॉल में, सब लोग चाय लेकर, और बच्चे भी यहीं हैं, टीवी भी चला है, तो गाने चल रहे थे एक्चुअली टीवी पे, तो इस वजह से मुझे ओरिजिनल साउंड बंद करनी पड़ी, नहीं तो मैं आपको सुनाती कि देखिए जीजा साली कैसे मस्ती करते हैं यहाँ पर, मतलब नोकझोंक होती रहती है। और जब हम चारों मिल जाते हैं तो और मज़ा आ जाता है। वैसे तो भाई भी आने वाला था बट वो थोड़ा पीछे है अभी, तो उसको टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने चाय पी ली। उसने फिर मना कर दिया कि मैं अब नीचे नहीं आऊँगा, हम सब लोग जा रहे हैं मायके, तो इसी वजह से फिर यहीं पर इकट्ठे हो गए सारे, पहले यहाँ आ गए थे, इसके बाद हम लोग अब सब साथ में जाएंगे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वैसे मेरा कोई था नहीं बट सिस्टर वगैरह नहीं मान रहे हैं, भाई नहीं मान रहा है, तो इस वजह से मुझे फिर जाना ही पड़ेगा, और जाना ही पड़ा, पड़ेगा नहीं तो ये लोग नहीं माने, इन्होंने बोला कि नहीं दीदी आना ही पड़ेगा। लावण्या और सुजल के कल से एग्ज़ाम है, पीरियोडिक टेस्ट है, तो उस वजह से मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी, बट पढ़ाई तो इन्होंने कर ली थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह हम लोग जल्दी आ जाएंगे, एग्ज़ाम से पहले पहले घर पहुँच जाएंगे। वैसे भी एग्ज़ाम्स तो ऑनलाइन ही है, बट घर में फिर ये रहता है ना, नेटवर्क का इशू इतना नहीं रहता, तो मम्मी के वहाँ फिर बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं और नेटवर्क का भी इशू रहता है, तो बस यही सब यहाँ बातचीत चल रही है। और बस यहाँ पर लावण्या का आप देख सकते हैं फेस, इसको गुस्सा आता है जब कंघी करते हैं ना, तो इसको पता था कि सामने कैमरा लगा है तो इसने मुंह उधर को फेर लिया है, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा पता नहीं पेन रहती है और या ये सहन नहीं कर सकती, और बाल काटने के लिए भी इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो चलिए अब हम सब जो है चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं।
देखिए इसको मैं लगा दिया इसके फेवरेट काम में। फेवरेट नहीं है जी मेरा, फेवरेट काम पर मैं काम तो सर्दी से करती हूँ। नहीं तेरे को अच्छा लगता है प्रेस लगाना। और आज ना हम दो मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं। मैंने ये कपड़े पहने थे बट ये इसको अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि हम लोग अब कहीं जा रहे हैं, हमारा कहीं और का भी प्लान है तो वो भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैंने कहा चलिए, मैं तो ऐसी ही ठीक थी, मैं बोल रही थी ये ठीक है बट ये मना कर रही है, ये बोल रही है चेंज करो, आलसी औरत मुझे बोल रही है ये। तो मैंने कहा चलो चेंज कर लेती हूँ। और आज हम बाई चांस दोनों सेम सेम हो जाएंगे। पर इसने ये वाला कुर्ती सेट ना मीशो से मंगवाया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, 466 रुपये का। अच्छा ही है सारे वैसे, है ना, कुछ साइज में थोड़ा गड़बड़ होता है उसमें क्योंकि एक ब्रांड नहीं होता ना, कोई ब्रांड भी है उसमें वैसे, पर मेरे को तो जो अच्छा लगता है मैं। नहीं नहीं मतलब ये ठीक रहते हैं, मेरा भी एक बहुत अच्छा निकला ब्लू वाला, एक की मेरी वो नहीं, जितने भी मंगाए तेने बड़े मंगाए ना, तो मैंने भी साइज बड़े मंगवाए, तो मैंने भी एक एक साइज तो मैंने भी यार बड़ा मंगाया, मेरे को मीडियम लगता है तो मैंने वो मंगवाया। कितने बज गए आज पहली बार बजे का बाबूजी नहीं, हे माँ माता जी, हे बाबूजी, अच्छा अच्छा, हे माँ माता जी, पापा आपके, हे माँ बापू जी, तो ऐसे बोलो, हे बाप बापू जी, हे माँ माता जी, हे पापा बापू जी, ऐसे बोलो ना, क्या होता है, हे माँ, कैसे करती है वो, नहीं एक्शन कैसे करती है, हैंड से भी तो करती है, हे माँ माता जी, ऐसे करो ना, करो ना, आप भी करके दिखाओ ना कैसे, अरे प्ले तो आप बापू जी कर दो, हे माँ बापू जी, हो गए थे यार, नमस्ते जी, देख ले कैसे कैसे वो करते हैं, नमस्ते जी, और कुछ बोलो, और तो बोलती बंद की है मैंने, अभी तक तो इतना बोल रहे थे, हद है भगवान कसम से, हद अभी तक तो बोल, आज तो इधर इधर गवाह है, आज इधर गवाह है, एक बार बोलते बहुत ज्यादा, बहुत आपको मौका देते, और फिर क्या बोलते हैं, बोलती बंद की हुई है। तो मैं ना तैयार हो गई हूँ, दुपट्टा मैंने नहीं डाला, इसका दुपट्टा बहुत हैवी है और इधर इंजेक्शन लगा है इस बाजू में मेरे दर्द है तो मैंने स्लूका पहन लिया है। और अब सभी लोग तैयार हैं, जल्दी कर, उठ जा जल्दी, पैकेट करना पड़ेगा एक, उसमें डाल दो। तो हम लोग ना तैयार हो गए, हम लोग जा रहे हैं मायके, और जो छोले मैंने उबाले थे वो इसमें मैंने पैक कर दिए हैं यहाँ पर, और इसमें मैंने सुबह की जो सब्जी थी बैंगन ये पैक कर दी है, अब हम ये साथ ही लेकर जाएंगे। तो अभी टाइम भी जो है हो गया है 6:15 टाइम हो गया और ये रह गया है मेरे, मेरे को ऐसे ही छोड़ने पड़ेंगे, ये अभी खाली हुए हैं ना, तो ये गरम है यार अभी, चने गरम है, ये गर्मा गर्म मैंने इसमें डाल दिए हैं, चलो थोड़े से आ गया क्या, क्या खाए प्राण खाए, नहीं आना तेरे पर, आना तो था ये यार इसका, ठीक है, भाई से बात कर रही है, भाई भी आ रहा है। तो हम सब लोग जा रहे हैं मायके, क्यों जा रहे हैं, कुछ सरप्राइज है और वो आपको पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। हैं तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से सारा समेटते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं, मेरा मुँह इतना बड़ा लग रहा है तो वाईफाई का सेट तो करना था, ये भी इतना बड़ा लग रहा है, मैं तो नहीं बोल रही, क्या आप प्रेग्नेंट है, अरे पूछ नहीं, बोल बोल मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं आप प्रेग्नेंट है, नहीं भाई मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं ये लॉकडाउन का असर, मैं मोटी हूँ, मोटी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, आई एक्सेप्टेड, हाँ नहीं मैं तो एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो चलिए अब आपको इसे नेक्स्ट ब्लॉग जो मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप
तो वो आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा, एक इसके चैनल पर और एक मेरे चैनल पर। जो मैं शूट करूंगी वो ये नहीं शूट करेगी, जो ये शूट करती है वो मैं नहीं, मतलब अलग अलग हम शूट करेंगे। तो कोशिश करेंगे आपको अच्छा लगे, और इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं माइके, और आपसे मिलते हैं माइके में जाकर।